सम्मानित नागरिकों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा आज आ पहुंचा हूं देवघर में, और देवघर है झारखंड में और ये दुमका के आसपास का क्षेत्र है। आप भागलपुर से भी आएंगे तो आप देवघर पहुंच सकते हैं आसानी से, और दुमका के आसपास भी आएंगे तो आप पहुंच सकते हैं। ट्रेन से यदि आप आ रहे हैं तो आपको जसीडीह स्टेशन आना होगा और वहाँ से आप देवघर पहुँच सकते हैं। देवघर पहुँचने की जो खासियत रही वो ये रही कि देवघर में बहुत अच्छे पर्यावरण प्रेमी हैं और उन्होंने बुलावा दिया था, साथ में बाबा का यहाँ पर धाम है तो यहाँ दर्शन के लिए आया था। और इस कड़ी में मुलाकात हो गई हमारी रूपम मैडम से, तो रूपम मैडम आपका धन्यवाद नमस्कार करते हैं। और ये जानना चाहेंगे कि ये कैसा लगता है जो पर्यावरण की बात करते हैं या लोगों को जगाने की बात करते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? बहुत ही अच्छा लगता है सर, और जब से आपका वीडियो देखिए तो बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ बनाया। पहले प्लांट मेरा उतना हेल्दी नहीं रहता था, अच्छा प्लांट हेल्दी लेके आते थे नर्सरी से, मिट्टी भी लेके आते थे उनसे पूछ करके, लेकिन उस तरीके से नहीं कर पाते थे जो जितना उनको चाहिए था। लेकिन जब आपका वीडियो देखे तो बहुत ही अच्छा एंजाइम बनाना सीखे और बहुत सारा कंपोस्टिंग करना सीखे, घर के कचरों को बाहर नहीं जाने दिए, अंदर ही क्या है घर में रख कर अच्छा। वो बनाए और वो अपने प्लांट को प्लांट तक पहुँचाए, और वहाँ से जैसे कि जो भी फ्लावर होते हैं हमारे भगवान को चढ़ता है और बहुत कोई लेके जाते हैं, और जो भी जैसे सब्जी वगैरह थोड़ा बहुत, सब्जी तो मैं थोड़ा ही लगाती हूँ अच्छा। तो थोड़ा ही लगा करके लेकिन घर में ही खाते हैं, अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात है। तो आप देवघर में कहाँ रहती हैं? देवघर में हम पुरंदहा में रहते हैं, बाईपास रोड सत्संग की तरफ। सत्संग की तरफ जी सर। पर्यावरण की जब बात करते हैं तो आप कब से लगाव है आपका इस क्षेत्र में पौधों की तरफ का लगाव? ऐसे तो हमको 3 साल हो गया, लेकिन 3 साल ये 2-3 साल पहले, 2 साल पहले हम जो है ना प्लांट उतना नहीं लगाते थे, थोड़ा बहुत जैसे रोज प्लांट हो गया और घर में जैसे तुलसी माँ का होता है और एलोवेरा वगैरह ये सब कुछ था, तो थोड़ा बहुत था फ्लावर वगैरह, थोड़ा जो मिलता था बताते थे, अच्छा लगता था तो लेके आते थे। लेकिन जब आपका वीडियो हम यूट्यूब पर देखें, बहुत कुछ सीखने को मिला कि पौधे को कैसे मिट्टी तैयार करना चाहिए, कैसे प्लांट को उसमें लगाना चाहिए, कैसे बीज लगाना चाहिए, तब जाकर के हमको उसमें सीखने को मिला और उसी तरह करते गए, प्लांट में अच्छा रिजल्ट मिला, तो धीरे धीरे प्लांट मेरा और बढ़ता चला गया। अभी मेरे पास कम से कम 600-700 मेरे पास गमले हैं, और क्यारी भी बनी हुई है, ग्रो बैग्स भी खुद से बनाते हैं, आप बना करके उसमें खुद से प्लांट लगाते हैं, सब्जी वगैरह हम ग्रो बैग्स में ही लगाते हैं। ठीक है, हम लोगों का मेन मिशन तो ये है कि जो घर का कचरा है वो सड़क पर ना जाए और घर में सब्जियाँ उगाए। इसका कारण ये होता है कि ज़्यादातर लोग यदि कुछ ना मिले, फूल देख के खुश सारे लोग नहीं होते हैं, नहीं। तो अपना मिशन ये रहता है कि जब उनको कुछ टेस्ट वाइज अच्छा मिलेगा खाएंगे तो घर के सभी लोग सपोर्ट करेंगे। आपका क्या मानना है इस बारे में? बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर जैसे खाली फूल से कुछ नहीं होता है, वो तो चलिए देखने का है, सुंदरता की वजह से आदमी ज़्यादा आकर्षण होंगे, लेकिन खाने का चीज़ अगर लेके आएंगे तो अच्छा है ना कि पैसा बचेगा, बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वहाँ से खाद वाला चीज़ नहीं लाना पड़ेगा, ऑर्गेनिक मिलेगा मुझे घर में, वो खाएंगे तो हेल्थ भी अच्छा रहेगा और सारे बच्चे के हेल्थ भी अच्छे रहेंगे। बहुत अच्छी बात है। तो वो बहुत ही अच्छा, और टेस्ट का भी चेंज हो जाता है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। हाँ, सिर्फ पैसे बचाने की कवायद नहीं है यहाँ पर, बात है कि यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा पैसा सभी तरफ से बचेगा। वो भी होता है क्या, जैसे मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रहता था, तो जब हम गार्डनिंग लाइन में आ गए, थोड़ा बहुत प्लांट का केयर करने लगे, तो उससे क्या हुआ ना कि मेरा सेहत भी अच्छा रहने लगा, एक्सरसाइज भी हो जाता है, सुबह सुबह जैसे सो के उठते हैं सबसे पहले प्लांट के पास जाते हैं, वहाँ के वातावरण में घूमते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, और मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ जाते हैं, और घर में जितने फैमिली हैं छत पे हैं तो वो भी छत पे आके करके घूमते हैं, फूल ही देखते हैं तो सुंदर ही लगता है। फूल ही देखते हैं तो सुंदर लगता है, ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए आपको क्या अच्छा लगता है, आप क्या करना चाहते हैं, आप किस रास्ते जाना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा मैटर करता है, मायने रखता है। तो आप इस बारे में क्या सोचती हैं कि क्या अच्छा लगता है? एक वर्ड है जो हम लोग ऐसी बात कर रहे हैं कि क्या अच्छा लगता है, लोगों का अलग अलग दिशा में अलग अलग रुझान होता है। हाँ, तो आपका क्या मानना है? मुझे प्लांट लगाना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि अगर घर में बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मुझे प्लांट से ही बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा, हर तरह के, जैसे कि सब्जी वगैरह, बस थोड़ा बहुत सब्जी वगैरह में नहीं हो पाता है तो थोड़ा सा ध्यान हट जाता है, लेकिन जब आपसे आपका जब बताया हुआ वो यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है ना कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, और सबसे अच्छा हमको एंजाइम बनाना मतलब सीख गए हम, वो देते हैं तो प्लांट मेरा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हो गया ना, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है और प्लांट हेल्दी होता है, वो केमिकल से बच जाते हैं। बहुत अच्छा। तो क्या संदेश देना चाहेंगे, जैसे देवघर की बात करते हैं, आपका वीडियो बहुत सारे लोग देखेंगे देवघर में भी और देश में भी, विदेश में भी देखेंगे, तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा यही संदेश है कि देखिए हर घर में प्लांट लगना चाहिए, और प्लांट अगर नहीं लगाएंगे तो हमारा सेहत अच्छा नहीं रहेगा, हर कोई बाहर काम करते हैं, लेडीज हो जेंट्स हो हर कोई करते हैं, लेकिन प्लांट अगर लगाते हैं ना थोड़ा वर्क घर में हो जाता है, आपका एक्सरसाइज करने के लिए जिम वगैरह जैसे जाते हैं तो घर का एक्सरसाइज घर में भी हो जाएगा, बहुत कोई लेडीज घर पे नहीं जिम वगैरह नहीं जा पाती, जैसे कि मैं जिम नहीं जा पाती हूँ तो मैं घर पे अपना एक्सरसाइज करती हूँ प्लांट के बीचों बीच,
बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस मेरा यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लांट जरूर लगाइए। बहुत अच्छा। पौधे नहीं लगाएंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से पाएंगे और खुशहाली कहाँ से पाएंगे? तो हरियाली से आएगी खुशहाली, और जब आप हरियाली को बढ़ाएंगे तो ज़रूरी है कि आपके पास तक, आपके घर तक भी खुशहाली आनी शुरू हो जाएगी। इन्हीं बातों को लेकर हम लोग शहर दर शहर लोगों के बीच जा रहे हैं और उनसे मिल रहे हैं। हो सकता है कि मैं आप तक भी पहुँच जाऊँ, और रूपा मैम को भी बहुत धन्यवाद देते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पहुँचे। और बोलना चाहते हैं प्रवीण सर भी बहुत ही अच्छे हैं। बहुत कोई जैसे कि YouTube पर जैसे देखते हैं हम लोग बहुत सारा वीडियो, ऐसा नहीं कि YouTube नहीं देखते हैं, लेकिन बहुत कोई ऐसे अच्छे से बताते नहीं हैं। कॉल करने पे कोई कॉल रिसीव नहीं करते हैं, लेकिन प्रवीण सर कॉल रिसीव करते हैं, अच्छे से बताते हैं, और मतलब अच्छा लगता है। बहुत धन्यवाद। एक्चुअली बिजी लाइफ है, ऐसा भी होता है कभी कभी कि कॉल रिसीव करने का समय है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि लंबा सेशन चल रहा है, लोगों के बीच जा रहे हैं, कभी वीडियो बना रहे हैं, और उस दौरान भी बहुत सारे लोगों का फ़ोन आने लगता है। तो हम लोगों का एक समय बना हुआ है, आप यदि मैसेज डाल देंगे, व्हाट्सअप मैसेज डाल देंगे, तो कहीं ना कहीं आपको फिर कनेक्ट कर लिया जाएगा। इसी कनेक्शन के लिए हम लोग जुड़ रहे हैं, देश में और देश के बाहर भी लोग देख रहे हैं, और यदि अच्छा लगे तो आप भी अपने शहर में कुछ शुरू कर लीजिए, और यही बहाना बनेगा कि हम सभी लोग आप तक भी पहुंच जाएंगे। आप सभी का बहुत धन्यवाद। पुनः उपस्थित होंगे नई जानकारी के साथ, तब तक बहुत ध्यान से रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। आपका भी बहुत धन्यवाद। थैंक यू।